सिर्फ भरोसे बैठे रहे तब नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर करते रहे चाहे कोई भी लोग है और खासकर गर्ल्स और एसआई के लिए, अगर वो थोड़ा भी मेहनत अच्छे से कर रही है ना तो उनका जरूर हो जाएगा। बॉयज के लिए तो है कि उन लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट है लड़कियों से ज्यादा, लेकिन वो लोग में है, वो लोग कर लेंगे। सफलता किसी पहचान की मोहताज नहीं होती है, ना वो रंग देखती है, रूप देखती है, ना ही आपकी पारिवारिक स्थिति देखती है, सिर्फ और सिर्फ देखती है तो आपकी मेहनत और तत्परता। और इसी सफलता की कड़ी में आज एक नए शख्सियत का जुड़ाव हम लोग के साथ हो चुका है। हमारे साथ जुड़ने वाली है निक्की कुमारी, जिनका अभी हाल ही में बिहार दरोगा 2446 में अंतिम रूप से चयन हो चुका है। इनसे हम लोग जानेंगे कि इनके जर्नी, जो सक्सेस जर्नी है, वो किस प्रकार रही और ये नए छात्रों को इनसे क्या सीख लेनी चाहिए, उनको क्या क्या आगे इनसे सीख करके अपनी तैयारी में इम्प्रूव करना चाहिए। तो हर एक कुछ यहाँ पर जानेंगे हम लोग। तो निक्की जी, सबसे पहले आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। और आपने अंतिम रूप से 2446 में फाइनल सिलेक्शन पाया है, तो उसके लिए भी ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच। जैसे शुरुआती बातों में बताया था कि आपका जॉनर अलग था, मतलब आपका फील्ड बिल्कुल अलग था और आप इस दूसरे फील्ड में आ गए, ठीक है ना? तो मतलब कि कैसे ये मुड़ाव हुआ? पहले तो मतलब ऐसे ये बिहार के किसी भी फॉर्म के बारे में पता नहीं था, तो जब मतलब उससे पहले एसएससी बैंक यही पता था, तो उसमें से एसएससी का थोड़ा था कि हाँ वो हो जाएगा, लेकिन फिर क्लास के बाद थोड़े मतलब कुछ परेशानी आ गया था तो उसमें तो ज़्यादा हो नहीं पाया। फिर ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद ये फॉर्म आया, तो मतलब ऐसे जैसे सब फॉर्म डाल रहे थे तो डाल दिए। फिर ऐसे देखते देखते थोड़ा सा मतलब करेंट पीटी में ज़्यादा था, तो थोड़ा यूट्यूब पे सर्च किए कि अच्छा ये है क्या एग्ज़ाम, तो फिर उसके कारण करेंट थोड़ा बहुत जीके जीएस जो ही आता था उसे, पीटी में ऐसे भी गर्ल्स का तो थोड़ा कम था बॉयज से, हाँ, मार्क्स थोड़ा कम तो आता है, इस वजह से बहुत सारी लड़कियों का हुआ था। तो उसमें पीटी में तो ज़्यादा मेरे मार्क्स थे नहीं, फिर भी अच्छा से निकल तो गया था पीटी। पीटी निकलने के बाद फिर आपने पूरा जी जान झोंक दिया जो हमको मिस निकालना है। फिर तो उसके बाद लगा कि हाँ अब हो गया है तो फिर करना ही है, तब जाके सारे बुक्स लिए, फिर पढ़ाई स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे जाना कि हाँ क्या है, और धीरे धीरे तो सब कुछ फिर आपने जाना ही नहीं बल्कि अच्छे से जान के इसको फतेह भी कर लिया और अपने कंधे पे डबल स्टार भी सजा लिया, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। वहाँ था कि वहाँ लोग एसएससी में ज़्यादा जीके जीएस पे उतना फोकस करते नहीं थे, क्योंकि पीटी में आता था 25 में, उसमें भी करेंट होता था, तो वहाँ पे टीचर लोग भी बताते थे कि हाँ मतलब जीके पे उतना फोकस नहीं करो, मैथ रीजनिंग इंग्लिश पे फोकस करना, क्योंकि मेंस में तो वही आता था। और उसका फ़ायदा भी हुआ थोड़ा, ये भी था कि इसमें सिलेबस थोड़ा अलग था, जीके जीएस ज़्यादा था, लेकिन उसका फ़ायदा हुआ कि जब मैथ रीजनिंग अच्छा था तो मेंस में बहुत हेल्प हो गया, और पीटी में भी 5 क्वेश्चन आए थे तो उसमें भी डायरेक्ट 10 मार्क्स बढ़ गए। तो कुल मिला के आपका जो मैथ का जो सेक्शन स्ट्रांग था, वो उसका फायदा आपको ना सिर्फ पीटी बल्कि मेंस में हुआ। हाँ, क्योंकि एक तो क्वेश्चंस भी सही हुए और फिर टाइम भी तो बच गया ना, मैथ का जितने प्रैक्टिस करने का था उतना जीके जीएस पे लगा दिए, तो फिर यहाँ फायदा हो गया। और एक चीज़ और आपने इंटरेस्टिंग चीज़ बताया था कि आपका ग्रेजुएशन 2019 में ही कंप्लीट हुआ, करीब जून में आपका फाइनल रिजल्ट आता है ग्रेजुएशन का और सितंबर के आसपास इसका फॉर्म आता है, तो मतलब सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप करती चली गई। हाँ। तो ये कैसा एक्सपीरियंस है आपके लिए? मतलब शुरू में तो ऐसे लग रहा था कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब फिर जब पीटी के बाद फिर मेंस का तैयारी हुआ तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो फिर जैसे सब लोग तो चाह रहे थे कि लॉकडाउन मतलब पढ़ाई डिस्टर्ब भी हो रहा है, लेकिन फिर जैसे जैसे बढ़ रहा था तो थोड़ा जो बच्चे नए थे उन लोग को तो हेल्प मिल रहा था कि टाइम मिल रहा है, अच्छे से तैयारी हो रहा था, तो फिर उसमें ज़्यादा हेल्प हुआ। और फिर जैसे मतलब ग्रेजुएशन हुआ तुरंत ये फॉर्म आया, फिर तुरंत पीटी क्लियर हुआ, फिर मेंस के लिए तैयारी, फिर मेंस भी क्लियर हो गया, तो फिर एक होप हो गया कि हाँ हो जाएगा, लेकिन फिर जब फिजिकल था फिर वो भी धीरे धीरे वो भी हो गया अच्छे से। पूरी सफलता का श्रेय आप मतलब किन्हें देना चाहेंगे? मतलब सफलता के श्रेय में तो बहुत है, मतलब घर में मेरी मम्मी पापा भाई बहन ये चारों तो बहुत, और जैसे हमको मेंस में जैसे उतना कुछ खुद पता नहीं था बुक्स ये सब के बारे में, तो मेरे एक फ्रेंड लोग हैं वो लोग सब बताएं कि अच्छा, तो फिर वैसे हम तैयारी करते गए और जैसे जैसे मतलब हर कुछ हुआ, फिर लुसेंट हमको आता नहीं था अच्छे से, मतलब कि क्योंकि कभी पढ़े नहीं हुए थे तो याद करना लुसेंट थोड़ा भारी लगता था, लेकिन फिर पता चला कि अच्छा ऐसे इसका ट्रिक्स बना बना के याद करो, फिर बहुत हेल्प मिला, तो ऐसे इतने लोग कुछ लोग लिमिटेड लोग रखे लाइफ में तो वो ज़्यादा अच्छा है।
लिमिटेड लोग बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं। ये चीज है कि मतलब कभी पापा लोग ऐसे फोर्स नहीं किए कि यही चुनो यही करो मतलब। अच्छा ये जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, गर्ल एम्पावरमेंट की बात हो रही है, एसआई में पिछले बार भी काफ़ी आया था, बीपीएससी में आया, इस बार भी बीपीएससी में बहुत ज़्यादा फॉर्म भरा है, तो लड़कियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं बिहार में, ठीक है ना, तो लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो अभी तैयारी कर रही हैं? हम मतलब ये कहना चाहेंगे कि एक इसमें प्लस पॉइंट है कि हम लोग को रिजर्वेशन है, जो लड़कियाँ थोड़ी मतलब जिनको है कि थोड़ा काम भी देखना पड़ता है तो कुछ कम है बॉयज से तो है, तो कि हाँ जो ऐसा नहीं है कि लड़कियां बॉयज से भी ज्यादा कोई कोई हैं जो बहुत नंबर लाई हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लड़कियों को है जब फायदा मिल रहा है तो उनका अच्छे से मेहनत करना चाहिए जी। हाँ, मेहनत करके जो अपॉर्चुनिटी मिला है उसको गर्व करना चाहिए, उसको यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहिए जी। बहुत अच्छी बात। अच्छा, लूसेंट की बात चल रही थी, बुक की बात चल रही थी, तो अब मैं वही बात करने जा रहा हूँ कि आपका, आपने कहा कि पीटी में तो खैर जैसे तैसे पास किया, पीटी के बाद मेंस में, तो मेंस में आपके बुक्स लिस्ट कौन कौन से थे, आपने कैसे कैसे कौन कौन बुक खोल दिया? जब जैसे हम मेंस का तैयारी शुरू की तो फिर हम मतलब हमको थोड़ा लूसेंट डायरेक्ट बुक समझने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर हम इडुटेरिया गए, उसके वीडियोस को खुद देख के और खुद से सारा नोट्स बनाए, फिर नोट्स बनाए और फिर इडुटेरिया देखने के बाद फिर लूसेंट पढ़ते थे। अच्छा अच्छा, इडुटेरिया से आप सीखते थे नोट्स बनाना, ठीक है ना, उसके बाद फिर लूसेंट पढ़ते थे, तो लूसेंट आपके लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि हम उस टाइम वीडियोस में देखे थे कि कोई कोई बता रहा था कि लूसेंट से बहुत आता है, लूसेंट से बहुत आता है, तो फिर हम सोचे कि अच्छा छोड़ना किसी को नहीं है, बस इस बार कर लेना है जैसे अच्छे से हो जाए, तो पहले उसमें देख के समझ बना लेते थे, उसके बाद फिर लूसेंट पढ़ते थे, फिर मतलब पता चला कि अच्छा इसको ट्रिक्स से भी याद कर सकते हैं, तो फिर ट्रिक्स बना बना के फिर याद किए, उसके बाद फिर जैसे घटना चक्र का था तो हम सिर्फ मतलब एक ही बुक पे तो रहे नहीं, दो तीन बुक था, लेकिन ये भी नहीं कि बहुत सारा बुक खरीद लिए और पढ़ रहे हैं, एक भी नहीं, लेकिन बहुत सारा बुक, तीन चार बुक था, अच्छा था। यही एक प्रॉब्लम है कि लोग ये बुक वो बुक बहुत सारा आता है और सारा बुक उनके सेफ में पड़ा रहता है, खुलता नहीं है। हाँ। आपने लिमिटेड और सेलेक्ट, जैसे लिमिटेड लोगों को आपने अपनी लाइफ में जगह दी है, वैसे लिमिटेड बुक को भी आपने सेलेक्ट किया था। हाँ। घटना चक्र की आपने बात की, लूसेंट की बात की, इडुटेरिया की बात की, और एक जैसे एसएससी का भी घटना चक्र आता है प्रीवियस ईयर का, वो मेरे पास था, तो हम सोचे अच्छा है तो ये भी पढ़ जाते हैं, लेकिन उससे बहुत हेल्प हुआ। अभी हमको लगता है कि शायद एग्जाम में ये ट्रेंड चला रहा है कि सिर्फ एक एग्जाम का, तो इसी के प्रीवियस ईयर से नहीं पूछेंगे, कि थोड़ा एनटीपीसी से भी पूछ ले रहे हैं, थोड़ा इधर से भी। हाँ, वेरिएशन तो ऑब्वियसली जैसे जैसे समय बीतता है, हर एक आयोग एग्जामिनेशन अपने पैटर्न को बदलती है, इम्प्रोवाइज करती है, ज्यादा चीजों को वो गार्ड करती है ताकि स्केलिंग टेस्ट हो पाए सबका, ये तो अच्छी बात है। तो वो उससे भी हेल्प हुआ। फिर जैसे एक था कि प्रैक्टिस सेट, तो हम प्रैक्टिस सेट मतलब बहुत किए थे लास्ट में। चलिए ये भी अच्छी बात है। अच्छा मतलब कि बुक लिस्ट की बात हो गई। अच्छा, स्टडी आवर क्या आपके लिए फिक्स था कि हमको इतना घंटा पढ़ाई करना है या फिर नहीं, मतलब कि उसके लिए कोई टाइम टेबल आपके पास था या फिर नहीं था? नहीं, हम टाइम टेबल तो नहीं बनाए थे, लेकिन ये कोशिश करते थे कि जितना पढ़ सके उतना पढ़ ले। फिर जैसे रात को सोने जाते थे तो फिर सोचते थे अच्छा आज अगर थोड़ी देर भी वेस्ट हुआ होगा तो कल अच्छे से कर लेंगे, लेकिन वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद लग रहा था ना कि मेंस के बाद कि पता नहीं कब वैकेंसी आएगा भी कि नहीं आएगा, इस वजह से, और एनटीपीसी का एग्जाम हो नहीं रहा था तो लग रहा था जो है सामने ही है यही है। एनटीपीसी का भी फॉर्म भरी हुई थी और उसका एग्जाम रुका हुआ था। हाँ, भरे हुए थे तो उसका मैथ रीजनिंग अच्छा था, तो इस वजह से सोच रहे थे कि कहीं वो हो जाए, क्योंकि उससे पहले कोई था नहीं, उसका ये निकला, फिर सोचे उसका तो कुछ होना जाना है नहीं, इस पे ही लग जाते जैसे हो ऐसे, जितने भी घंटे हो कंटिन्यू रखे, हर दिन करे, मतलब छोड़ना नहीं है जब तक हो ना जाए तब तक। अच्छा, फिजिकल के दौरान आपने कहा था कि थोड़ा बहुत आपने इस चैनल के थ्रू भी आप थोड़ी सी मदद मिली थी, तो वो क्या घटना थी, आप जरा उसको बताएं। तो जैसे फिजिकल के टाइम था कि फिजिकल में बेड रेस्ट दे दिया था, तो अब घर पे बैठे बैठे क्या करे, सोचते थे कि कहीं से भी कुछ मिल जाए, तो जितने चैनल है उनको देख लेते कि चलो कहीं पे कुछ भी मिले, जो भी चीज अच्छा हो, बस किसी वजह से अच्छा हो जाए, तो यहाँ से आपको हेल्प मिली थी। हाँ, तो फिजिकल के टाइम तो आपके भी चैनल देख लेते। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं हम लोग जो नए स्टूडेंट हैं 2213 वाला, उनका 26 दिसंबर 2021 को एग्जामिनेशन है पीटी का, तो कंपटीशन तो काफी टफ हो गया है, ये बात हर एक लोग जानता है, तो
उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे कि उनको आपको कैसे आगे बढ़ना है? सबसे पहले तो बॉयज लोग के लिए कि उन लोग के लिए तो कंपटीशन बहुत ज्यादा ही टफ है थोड़ा, क्योंकि उन लोग में है और जनरल वालों को तो और भी, लेकिन बॉयज में है कि करेंट तो पीटी में बहुत ज्यादा ही आता है, तो करेंट का तैयारी तो बहुत अच्छे से करे और फिर जितना वेटेज है जिस सब्जेक्ट का उस अकॉर्डिंग करे और जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन इज द की पॉइंट ऑफ सक्सेस। हाँ, और ये भी कर सकते हैं कि जो पॉइंट आपको नहीं आता उसका आप मतलब कुछ से टिक आउट कर ले, फिर बार बार उसको देखते रहें, बार बार उसको रिवीजन करते रहें कि लास्ट टाइम में अभी, और ऐसा भी कर सकते हैं कि लास्ट टाइम में जैसे बहुत चीज तो एक बार में देख नहीं पाते हैं, तो जो आप बहुत ज्यादा भूल जाते हैं उसको लिख ले कहीं पे और उसको बार बार देखते रहें। अभी जो नया जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2213 पीटी, तो उसके लिए स्पेशल बुक लिस्ट आप छात्रों को कोई रिकमेंड करना चाहेंगे? जो पुराने स्टूडेंट है उन लोग को तो जैसे जो जिस चीज पे चल रहे हैं, अगर जो लोग लुसेंट चल रहे हैं तो वो लुसेंट लेके बढ़ सकते हैं, जो क्राउन चल रहे हैं वो क्राउन लेके बढ़ सकते हैं, दोनों में दोनों का अपना अच्छा बात है, कोई भी लेके चले। उसके बाद अगर आपके पास मतलब आपने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं एक बार की जैसे थ्रू आउट, तो आप स्पेशल घटना चक्र सबका जो आता है बुक वाइज वो ले सकते हैं। और फिर अगर जो लोग न्यू हैं, एकदम न्यू हैं, जो जिनके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो वो एक एसएससी का भी घटना चक्र आता है, अगर आप उसको भी रिवाइज कर लेना तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प होता है, बहुत ज्यादा हेल्प होता है। और फिर प्रैक्टिस सेट के लिए आप जैसे एडुटेरिया का भी ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म का भी ले सकते हैं, और अभी तो शायद बहुत ज़्यादा ही आ चुका है मार्केट में, तो उत्तर तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम जो करते थे कि हम एडुटेरिया से लगाते थे और प्लेटफॉर्म से लगाते थे, और एक एनसीईआरटी सार संग्रह है, जैसे आप सारे बुक को सारा चीज़ पढ़ने पे तो नहीं लगा सकते, जिस बुक में से जो जो चीज़ अच्छा है उसी को आप ले सकते हैं, उसको ले लेके जैसे पढ़ लें। फिर जैसे साइंस है तो साइंस लुसेंट में जितना है उतना अगर पढ़ ले तो बहुत ज्यादा बहुत है। ये चीज़ तो मैं हमेशा छात्रों से कहता हूँ। लुसेंट को मतलब कहने का मतलब है जो जिसको फॉलो करते हैं उसको फॉलो करें, नया चीज आपको अभी नहीं लेना है। हाँ, अभी लास्ट टाइम है, और लास्ट टाइम में जितना प्रैक्टिस हो सके, और करेंट का भी स्पीडी है तो वो भी अच्छा है, और एडुटेरिया भी अच्छा है, तो स्पीडी के तो पीछे में क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं, उसको जितने बार लगा सकते हैं लगा ले। और बुक लिस्ट में हाँ, और एक मेरे पास था बुक ये रेलवे का स्पीडी का साइंस, उसके बीच में हमको कुछ पेज जो वो दिया रहता है इम्पोर्टेंट बॉक्स टाइप का, स्पीडी यस, स्पीडी का साइंस जी। हाँ, तो उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प हुआ था प्री में। अभी है कि इतना चीज अवेलेबल है इंटरनेट पे, जैसे इतने अच्छे अच्छे चैनल आ गए हैं अभी, जैसे एडुटेरिया ही हुआ उसका, अभी जो लोग पूरा कर चुके हैं तैयारी, वो जैसे बिहार स्पेशल हो, कुछ चीज़ें जो कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उसका हो जाता है कि जो लोग वो नहीं पढ़ते हैं और सारे चीज़ करते हैं, आप उससे थोड़े स्पेशल हो जाते हैं जी, 4-5 क्वेश्चन में ही 8 नंबर बच जाते हैं, तो आप जो लोग मेन चीज कर रहे हैं आप उनसे थोड़े आगे हो जाते हैं। जैसे एडुटेरिया का एनवायरमेंटल भी है, 4-5 ही वीडियोस है, लेकिन उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया। जो गर्ल्स अभी एकदम न्यू हैं उनको अभी मेंस का सब कुछ का, अभी प्री का जो ही तैयारी करेंगे उससे मेंस का भी हो ही जाएगा, तो अभी पहले प्री पे फोकस कर ले कि इतना से मेरा प्री हो जा रहा, फिर मेंस में, फिर लेकिन मेंस में सबसे ज्यादा करना, क्योंकि आपको सिर्फ मेंस तक तो रहना नहीं है, मेरिट तक जाना है, तो पूरा झोंक देना है वहाँ पर बस उस टाइम। लेकिन ये नहीं कि सारी चीज़ों को आप ले रहे हैं कि हाँ ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, नहीं, पहले अच्छे से अपने आप को मतलब ये कर लीजिए कि ये बुक हैं इनसे अच्छे, मतलब अभी है कि सारे बुक में तो मटेरियल अच्छे ही हैं, लेकिन आपको किससे समझ में आता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको मतलब कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, 17 में छट गए या फिर आपको 2446 में छट गए, किन्हीं भी रीजन से, ठीक है ना, तो और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट भी है, ठीक है ना, तो काफ़ी असफलताएं मिली हैं उनको, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि पिछली असफलताओं को भूल कर या उनको मैनेज करके कैसे आगे अपना इस एग्जामिनेशन में लिखा है 2213 में या फिर अन्य एग्जामिनेशन में? हम मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि जैसे पिछली बार जो भी हुआ, अभी तो फिर से चांस मिला इन लोगों को, जी जी जी, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग असफल हुए तो उन लोग के पास नॉलेज कम है, उन लोग के पास हो सकता है कि अभी जितने लोग सफल हुए उनसे भी किन्हीं के पास ज्यादा नॉलेज है, जी जी, लेकिन बस वही है कि आप लिमिटेड चीज पे चले जाएं, जितना इस बार
ये कोशिश करें कि जितना चीज पूछा जा रहा है उसका डिमांड जितना है हम उतने ही को दें, और ज्यादा मतलब इधर उधर जाए नहीं, एक बार फोकस करके देखें, एक बार फोकस करने पे हो ही जाएगा इस बार। हिम्मत नहीं हारे बस, हाँ हिम्मत नहीं हारना है, अपने पिछले सफलताओं से कंसिस्टेंसी रखना है। हाँ जी, सिर्फ भरोसे बैठे रहे तब नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर करते रहे चाहे कोई भी लोग है, और खासकर गर्ल्स और एसआई के लिए, अगर वो थोड़ा भी मेहनत अच्छे से कर रही है ना तो उनका जरूर हो जाएगा, ये मुझे लगा जब तक, क्योंकि मैं भी जब पहले थी तो मुझे लग रहा था कि नहीं थोड़ा टफ होगा ये, लेकिन जब पढ़ते गए फिर लगा कि नहीं हो सकता है अच्छे से। मतलब सब खुद को मोटिवेट रखने का यही है कि जब खुद अंदर से होता ना कि वो एक रीजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना कि आपको करना क्यों, तो फिर उतना ज्यादा दूसरे चीज का मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जब मोटिवेशन अंदर से आती है तो फिर बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं रह जाती उतनी ज्यादा। अंत में सारे स्टूडेंट्स को कोई संदेश देना चाहेंगे? बस सारे स्टूडेंट्स को यही है कि सब लोग अच्छे से पढ़े और सब लोग आए आगे, ताकि मतलब जितना भी जितना आगे बढ़ सकता है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, सबके लिए, ये नहीं कि सिर्फ गर्ल्स को ही इम्पोर्टेंट है या सिर्फ बॉयज को ही इम्पोर्टेंट है, बॉयज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल। मतलब उनके लिए तो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है ना, तो उनको तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत है, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे सब, सब लोग ही कर लेंगे, सब लोग अच्छे से हो जाएंगे इस बार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडनेस को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।